मैं आपकी ब्यूटी एंड वेलनेस की टीचर मिस कपिल रानी, आपका आज हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में और जो है अपना एजुकेशन प्रणाली में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर जो है प्लस टू क्लास का लेसन फोर यूनिट वन का जो कि लेसन का नाम आपको दिख रहा है द कलर व्हील। के बारे में आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ कि एक ब्यूटी थेरेपिस्ट जो होती है उसको कलर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मेकअप के अंदर और या हमारे इस प्रोफेशन के अंदर कलर्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि हर किसी की स्किन अलग होती है, किसी की वॉर्म अंडरटोन होती है, किसी की कूल अंडरटोन होती है, ठीक है। तो उनके ऊपर अलग अलग कलर्स का जो है मेकअप सूट करता है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप का कलर उसके ऊपर सामने वाले के ऊपर सूट करेगा, हमें किस टाइप का कलर उनके ऊपर यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस लेसन में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन की, जो हमने अभी बताया आपको कि जो कलर थेरेपी होती है एक बहुत सारी एक मतलब ऐसी ये कलर थेरेपी होती है जिसके अंदर एक जो ब्यूटी थेरेपिस्ट होता है वो कलर्स को मैच करके क्लाइंट के ऊपर जो है अप्लाई करता है ताकि वो सुंदर दिखे। उसके ऊपर जो सूट करता है वो कलर या ड्रेस के अकॉर्डिंग या उसके जो है अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हम इसके अंदर सारी बातें करेंगे आज। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो कलर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कलर्स हमारे होते हैं थ्री टाइप्स के कलर होते हैं। कौन से? प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्टियरी कलर, ठीक है। तो ये जो तीन कलर्स होते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं और जो टर्टियरी कलर क्या होते हैं उनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कलर के बारे में। जो प्राइमरी कलर होते हैं, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, ठीक है। बहुत जो एक अहम रोल होता है इन कलर्स का, क्यों होता है? क्योंकि इन्हीं कलर्स को मिला के हम दूसरे कलर्स बनाते हैं, ठीक है। दो प्राइमरी कलर्स को मिला के ही हम कोई नया कलर्स बनाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट, इनको प्राइमरी कलर बोला जाता है। और जो प्राइमरी कलर होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं, कौन कौन से? रेड, ब्लू एंड ग्रीन होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी कलर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कलर्स। जो सेकेंडरी कलर्स होता है, नाम से पता लग गया मतलब दूसरा। अब दो प्राइमरी कलर्स को मिला के जो दूसरा कलर हमें मिलेगा वो सेकेंडरी कलर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिलाते हैं एक जो प्राइमरी कलर येलो और एक हम मिलाते हैं ब्लू कलर, तो हमें मिल जाएगा ग्रीन कलर, ठीक है। दो प्राइमरी कलर को मिलाया हमने येलो और ब्लू को, और हमें कौन सा कलर मिलेगा? ग्रीन कलर मिलेगा। ऐसे ही अगर हम रेड और ब्लू कलर को मिलाएंगे तो हमें कैसा मिलेगा? वॉयलेट कलर मिलेगा। अगर हम येलो एंड रेड कलर को मिक्स करेंगे तो हमें ऑरेंज कलर मिलेगा। तो बहुत ही इजी है, दो प्राइमरी कलर्स को मिला के जो कलर मिलेगा वो हमारा सेकेंडरी कलर्स है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। अब आता है हमारा तीसरा कलर, टर्टियरी कलर। टर्टियरी का मतलब होता है थर्ड, तीसरा कलर, ठीक है। तो जो टर्टियरी कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमारा कलर व्हील होता है, जो आपको साइड में आपको दिख रहा होगा, जो कलर व्हील हमारा जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर क्या होता है? सेकेंडरी जो हमारा कलर होता है उसके साइड में या आसपास में जो कलर होते हैं उसको टर्टियरी कलर बोल देते हैं। जैसे कि रेड वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट, ठीक है, ये हमारे टर्टियरी कलर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं टर्म्स की। कुछ इस लेसन के अंदर हमारी कुछ टर्म्स दी गई हैं जिनको हम मेंशन करेंगे, डिफाइन करेंगे कि वो टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, उनका मतलब क्या होता है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हुए, HUE, हुए कलर्स। हुए कलर्स क्या होता है कि जब किसी कलर्स को उसके नेम से रेफर्ड किया जाता है, जब किसी कलर को उसके एक्चुअल नेम से रेफर किया जाता है वो हुए कलर्स, वो जो टर्म्स होती है वो हुए कहलाती है। जैसे कि रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट, ठीक है। तो हम उसके नाम से रेफर करते हैं उस टर्म्स को, हुए कलर्स बोल देते हैं। अगर कोई ब्राइट कलर होता है, अगर कोई ब्राइट कलर होता है तो उसके अंदर हम जो है वाइट कलर मिला के उसको लाइट कर सकते हैं,
मतलब उसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो ये होता है हमारी हुए। अब आता है नेक्स्ट हमारा टिंट, TINT, टिंट के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। कई लोग सोचते हैं टिंट का मतलब कलर होता है, होता थोड़ा सा सेम ही है, लेकिन जो टिंट हमारी जो टर्म्स होती है ये क्या होती है कि वाइट कलर के साथ किसी भी कलर को मिक्स करके, वाइट कलर के साथ किसी भी कलर को मिक्स करके जो कलर हमें मिलता है उसको टिंट के नाम से डिफाइन करते हैं। ठीक है, मतलब वाइट कलर के साथ हम कोई भी कलर मिलाएंगे और जो कलर हमें मिलेगा उस मतलब जो कलर मिलेगा उसको हम टिंट के नाम से डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो टिंट जो कलर होता है टिंट से एक्चुअल कलर का मतलब जैसे मान लो ब्लू कलर है। ठीक है, ब्लू कलर में के अंदर हम अगर वाइट कलर मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ब्लू तो हमें मिलेगा नहीं, वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो वो लाइट हो जाएगा और उस कंडीशन को हम, उस टर्म्स को हम टिंट के नाम से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आता है थर्ड हमारा शेड। शेड का मतलब आप सोच सकते हो शेड का मतलब होता है एक परछाई टाइप में, लेकिन जो शेड होता, जो टर्म्स होती है किसी भी कलर की जो शेड होती है उसको बनाने के लिए हमें जो है किसी मतलब दो कलर को आपस में मिक्स किया जाता है तब वो कोई नई शेड जाके बनती है। दो कलर को मिक्स करके हम जो शेड बनाते हैं, जो कलर हमें मिलता है उसको हम मतलब शेड के टर्म से डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी हमें ब्राइट कलर है कोई भी हमारा और उसको हमें थोड़ा सा लाइट करना है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, दूसरा कलर मिलाएंगे। अगर जैसा भी कलर हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग कलर मिलाएंगे तो जो कलर हमें प्राप्त होगा, जो शेड हमें प्राप्त होगी लाइट या डार्क या जैसी भी, उसको हम शेड के नाम से डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे हम बोलने जाते कहीं भी, जैसे कहीं सूट लेने जाते हैं या कुछ भी, कि इसका शेड तो लाइट है, इसका शेड तो डार्क है ना, तो वही चीज़ इसके अंदर है कि दो को मिक्स करके जो कलर हमें मिलेगा वो शेड के नाम से डिफाइन करेंगे। अब आता है हमारा टोन। टोन क्या होता है कि किसी भी ट्रू टोन को पाने के लिए किसी भी हुए जो कलर होता है उसके अंदर प्योर ग्रे कलर मिलाना पड़ता है। मतलब कि जो टोन होती है हमारी, मतलब ट्रू टोन को पाने के लिए, जैसे कि हमें ब्लू चाहिए या रेड चाहिए, ठीक है, या फिर वॉयलेट चाहिए, तो कोई भी एक्चुअल जो टोन होती है उसको पाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम जो है जो प्योर ग्रे कलर होता है उसको मिलाते हैं और उसके बाद जो हमें कलर मिलता है उसको हम टोन से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो भी एक्चुअल जो कलर होता है, एक्चुअल का मतलब जो भी रेड है तो रेड ही बोलेंगे, ब्लैक है तो ब्लैक ही बोलेंगे, ये एक्चुअल नेम है इनके। तो जो भी एक्चुअल कलर होता है उसके अंदर क्या करेंगे हम, प्योर जो ग्रे कलर होता है वो मिक्स करेंगे, उसके बाद जो हमें शेड मिलेगी उसको हम बोलेंगे टोन से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, जो भी हमारा जो कलर व्हील होता है, कलर व्हील के अंदर तो क्या होते हैं कि जो भी कलर व्हील के अंदर एक दूसरे के अपोजिट जो कलर होते हैं, जैसे जो भी कलर व्हील जो आपको दिखाई दे रहा है, इस कलर व्हील के अंदर मान लो अगर यहाँ पे ब्लू है तो इसके ठीक सामने कलर व्हील में जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अगर यहाँ पे ब्लू है तो ब्लू के ठीक सामने अगर जो भी कलर है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। यहाँ पे येलो है, येलो के सामने ठीक जो भी कलर है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा एनालोगस या सिमिलर कलर बोल देते हैं। एनालोगस या सिमिलर कलर क्या होते हैं, कलर व्हील के अंदर जो जो होता है कलर व्हील में राइट कलर से नेक्स्ट वाले कलर को सिमिलर कलर बोल दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो भी राइट हमारा कलर होता है, जैसे कलर व्हील के अंदर जो रेड कलर है, रेड कलर से नेक्स्ट जो कलर होता है वो रेड नहीं होगा लेकिन सिमिलर होगा रेड के, मतलब रेड के जैसा ही थोड़ा थोड़ा होगा, या तो लाइट रेड होगा या फिर थोड़ा सा हल्का सा लाइट ऑरेंज हो जाएगा, मींस होगा वो रेड का ही सिमिलर, मिलता जुलता, इसलिए इसका नाम रखा गया है सिमिलर कलर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉर्म कलर। जो वॉर्म कलर होते हैं जैसे कि रेड ऑरेंज और येलो, रेड ऑरेंज और येलो जो होते हैं वो हमारे वॉर्म कलर होते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा कूल कलर्स। कूल कलर्स के अंदर जो है हमारे होते हैं ब्लू ग्रीन और जो भी लाइट अंडरटोन वाले जो कलर होते हैं वो आते हैं हमारे कूल कलर्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो थी हमारी टर्म्स, जो हम एक जो कलर्स की जो टर्म्स होती हैं कि
कि टिंट क्या होता है, शेड क्या होती है, टोन क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से होते हैं, वॉर्म कलर्स कौन से होते हैं, जो है कूल कलर्स कौन से होते हैं, ठीक है, ये सभी इनके बारे में हमने पढ़ा। बहुत ही छोटे छोटे डेफिनेशन है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब हम बात करेंगे कि एक जो कलर व्हील होता है उसका मेकअप के अंदर क्या रोल होता है, मतलब उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है मेकअप के अंदर। तो कलर व्हील के अंदर मेकअप का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी का जब हम मेकअप करते हैं तो हम चेक करते हैं कि सामने वाले की जो टोन है वो कैसी है, वॉर्म है, कूल है, उसके अकॉर्डिंग ही उनके ऊपर हम कलर देंगे। अगर किसी की वॉर्म अंडरटोन है तो उसके ऊपर हम कूल अंडरटोन वाले कलर्स नहीं दे सकते, उसके ऊपर सूट ही नहीं करेगा। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि सामने वाले की जो टोन है वो कूल कलर्स हैं, कूल अंडरटोन है या फिर वॉर्म अंडरटोन है, वो हम कैसे पता करेंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला हम टेस्ट करेंगे हमारी कलाई के पास, जो हमारी कलाई होती है यहाँ, क्योंकि यहाँ की जो वेन्स होती हैं वो बिल्कुल साफ हमें दिखाई देती हैं जिस भी कलर की होती हैं, ठीक है। तो पहला हम वेन टेस्ट करेंगे। वेन टेस्ट में क्या होता है, कलाई के नीचे की, कलाई के नीचे जो हमारी वेन्स होती हैं अगर उनका कलर ब्लू है, ठीक है, जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, अगर उनका कलर ब्लू है इट मीन्स हमारे स्किन का कलर वॉर्म कलर है, ठीक है, वॉर्म अंडरटोन में हम आते हैं। अगर ग्रीन कलर है हमारी वेन्स का तो जो है हमारी अंडरटोन होती है वो कूल अंडरटोन होती है। इससे आप पता लगा सकते हैं आसानी से कि अगर जो हमारी ब्लू कलर की वेन्स हैं तो हमारी वॉर्म अंडरटोन होगी, और अगर वॉर्म अंडरटोन है तो हम वॉर्म कलर का ही यूज़ करेंगे। अगर हमारी ग्रीन कलर की जो है वेन्स हमें दिखाई देती हैं तो हमारी कूल अंडरटोन है, और कूल अंडरटोन के लिए हम कूल कलर्स का यूज़ करेंगे। हम इससे आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है ज्वेलरी ट्रिक्स, ज्वेलरी ट्रिक से भी आप पहचान सकते हैं कि आपकी अंडरटोन कैसी है। आप चेक करिएगा कि अगर आपके ऊपर या जिसके ऊपर भी आप मेकअप कर रहे हैं उनके ऊपर अगर गोल्ड की ज्वेलरी सूट करती है, अगर गोल्ड की ज्वेलरी में उसका जो है कलर निखर के आता है, इट मीन्स जो है उसका जो टोन है वो वॉर्म कलर का है, ठीक है, उसकी वॉर्म अंडरटोन है। और तो सेम चीज़, वॉर्म अंडरटोन है तो वॉर्म कलर का मेकअप उसके ऊपर जाएगा। अगर उसके ऊपर सिल्वर ज्वेलरी सूट करती है तो सेम चीज़, उसका जो टोन है वो कूल अंडरटोन है, तो उसके ऊपर कूल कलर्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है और टेस्ट करने का भी बहुत आसान सा रास्ता है। अगर हमारी दो मैंने आपको टेस्ट बताई, वेन टेस्ट और एक ज्वेलरी ट्रिक। तो वेन टेस्ट में सिंपल सी बात है, अगर हमारी जो वेन्स हैं, जो नसें हैं, उनका कलर अगर हमें दिखेगा ब्लू तो हमारी अंडरटोन होगी कैसी, वॉर्म। अगर वेन्स का कलर होगा ग्रीन तो हमारी जो स्किन का जो कलर है वो हमारा होता है कूल कलर, मतलब कूल अंडरटोन। तो अगर वॉर्म है तो वॉर्म कलर्स यूज होंगे, अगर कूल है तो कूल कलर्स यूज होंगे। वॉर्म और कूल कलर्स मैंने आपको बता ही दिए। जो वॉर्म कलर्स होते हैं वो हमारे होते हैं जो है रेड, ऑरेंज, येलो। जो कूल होते हैं वो होते हैं ब्लू, ग्रीन और जो भी लाइट अंडरटोन वाले होते हैं वो, ठीक है। सेम ज्वेलरी ट्रिक है हमारी, अगर गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक मतलब गर्मी हीट को दर्शाता है, अगर गोल्ड ज्वेलरी सूट करती है तो इट मीन्स हमारा वॉर्म अंडरटोन है, अगर सिल्वर ज्वेलरी सूट करती है इट मीन्स हमारा जो है कूल अंडरटोन है। तो इस तरीके से हम कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको आप अच्छे से जो है रिवाइज कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप जो है वीडियो को एक दो बार देख सकते हैं, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। छोटे छोटे इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कलर। तो हमारे कलर्स कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कलर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी कलर्स। अब आता है कि प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, उनके नाम बताइए। तो कौन से हो गए हमारे, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। सेकेंडरी कलर्स मतलब कौन से होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि दो प्राइमरी कलर्स को मिला के जो कलर बनता है वो सेकेंडरी कलर होता है, ठीक है। सेम अगर हम एक दो नंबर के आ सकते हैं कि टोन की परिभाषा दीजिए, या कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से होते हैं, या वॉर्म कलर के बारे में बताइए, कूल कलर्स के बारे में बताइए। बहुत ही इसके अंदर बनेंगे तो आपके जो है एक एक या दो दो नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। अगर पाँच नंबर का क्वेश्चन बनता है तो आपका लेसन ही छोटा सा है, पूरा आपका एक डेढ़ पेज का है, दो पेज का है। तो पाँच नंबर का आपका पूरा ही आ सकता है कि कलर व्हील को डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा।
ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।